नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं CNN न्यूज। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। रानिया टैरी से 4 करोड़ का कोयला लेकर उड़ीसा और झारखंड भेजने की बजाय लोखंडी के कोल प्लांट में डंप कर दिया। ट्रांसपोर्टर को धोखे में रखते हुए बिजनेस पार्टनर ने कोयले को खुले बाजार में बेच दिया। इसकी जानकारी होने पर ट्रांसपोर्टर ने सकरी थाने में शिकायत की है। पुलिस जुर्म दर्ज कर मामले की जाँच कर रही है। तिफरा के यदुनंदन नगर में रहने वाले KP पिया से ट्रांसपोर्टर हैं। उन्होंने अपनी शिकायत में बताया कि त्रिगटा माइंस लिमिटेड की ओर से उन्हें रानी अटारे खदान से 37,500 टन कोयले की ट्रांसपोर्टिंग का ऑर्डर मिला था। इसे 45 दिन के भीतर पूरा करना था। बड़ा ऑर्डर होने के कारण उन्हें आर्थिक समस्या आ रही थी। इस पर उन्होंने अपने परिचित ब्रजेश सिंह से संपर्क किया। ब्रजेश ने 1 करोड़ रुपए की मदद की। ब्रजेश के माध्यम से ही ट्रांसपोर्टर की मुलाकात अलका एवेन्यू में रहने वाले दीपक सिंह, राजू सिंह और मुरारी सोनी से हुई। दीपक का लोखंडी में कोल डिपो है, वहीं पर उनके बीच व्यापार को लेकर बातचीत हुई। इसमें तय हुआ कि दीपक, राजू और मुरारी को रानी अटारी खदान से कोयला उड़ीसा और झारखंड में कोयला ट्रांसपोर्ट करने 1800 रुपए प्रति टन के हिसाब से भुगतान किया जाएगा। 20 सितंबर से उन्होंने खदान से कोयले का ट्रांसपोर्ट शुरू किया। 1 करोड़ रुपए का कोयला पहुंचाने के बाद कंपनी की ओर से 33 लाख का भुगतान किया गया। साथ ही कंपनी की ओर से कोयले की सप्लाई जारी रखने को कहा गया। ट्रांसपोर्टर और उसके पार्टनर ने 1,50,00,000 का काम पूरा कर लिया। कंपनी की ओर से भुगतान के लिए टाल मटोल किए जाने लगी। इसी बीच दीपक और उसके साथियों ने ट्रांसपोर्टर और ब्रजेश को बिना बताए 23 ट्रेलर के कोयले को गायब कर दिया। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसी ही किसी प्रमुख खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए CNN न्यूज।